ये डॉल्फी का एरोसोल डिस्पेंसर है और आज हम आपको इसको ऑपरेट करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो दिया गया बटन है उसको प्रेस करके इसको खोल लीजिए। यहाँ पे जो प्लेस दी गई है यहाँ पे आपको कंटेनर प्लेस करना है, ऐसे 300 ml का कंटेनर जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। फिर ऊपर जो दो स्पेस दी गई है यहाँ पे आपको 2D साइज़ की ये वाले बैटरीज लगानी है। ऐसे और ये सब उसकी ऑपरेटिंग कीज है। ये रीसेट बटन, स्प्रे मोड, विक, आर्स, मिनट एंड ऑन ऑफ। तो सबसे पहले आपको रीसेट बटन दबाना है और फिर यहाँ पे ऑफ है तो आपको ऑन ऑफ बटन से इसको ऑन कर लेना है। फिर मोड बटन आपको 2 to 3 seconds तक प्रेस करना है। यहाँ पे स्टार्ट टाइम आ गया, मतलब कि आप कौन सा टाइम से स्प्रे स्टार्ट करना चाहते हैं ये आप टाइम सेट कर सकते हैं। आर्स से आप आर्स सेट कर सकते हैं, मिनट से मिनट सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे रखते हैं 5:05, मतलब कि 5:05 में ये स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। फिर से मोड बटन को प्रेस करना है और फिर ये स्टॉप बटन, मतलब कि कितने बजे तक आपको स्प्रे करना है। तो यहाँ पे मैंने सेट किया है 6:05 पर, मतलब एक घंटे तक मुझे स्प्रे करना है। फिर से ये मोड बटन दबाना है, यहाँ पे आ गया स्प्रे, मतलब कितने टाइम स्प्रे हुआ है वो। और फिर ये इंटरवल्स, मतलब कि कितने इंटरवल्स में आपको स्प्रे चाहिए ये हम सेट कर सकते हैं, ये मिनट से। यहाँ पे जितने भी मिनट्स में आपको स्प्रे चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 30 सेट किया है, मतलब कि हर 30 मिनट्स पे मुझे एक स्प्रे मिलेगा। फिर से आपको मोड बटन दबाना है। फिर ये आ गया विक्स, ये विक्स में आप ये सेट कर सकते हैं कि सैटरडे संडे आप ऑफ रख सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 6, मतलब कि मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, वैसे ही 6 7 सैटरडे संडे। यहाँ पे एक बार मैंने विक प्रेस किया 7 चला गया, मतलब कि ये संडे ऑफ रहेगा। दूसरी बार प्रेस किया तो ये सैटरडे चला गया, मतलब कि सैटरडे ये ऑफ रहेगा। लेकिन इस बार हम शुरू रखते हैं और फिर से मोड बटन दबाना है। और ये क्लॉक, क्लॉक मतलब कि अभी का जो करंट टाइम है वो आपको यहाँ पे सेट करना है। जैसे कि अभी 6 बजे तो मैंने सेट कर दिया 6:05। और फिर ये विक बटन, ये 1 2, यहाँ पे से हम विक सेट कर सकते हैं, मतलब आज अगर वेनसडे तो ये 3 3, मतलब वेनसडे। और फिर से मोड बटन दबाना है। ये हो गया आपका एरोसोल डिस्पेंसर शुरू। और इसकी और एक खासियत है, अगर आपको इंस्टेंट स्प्रे चाहिए तो ये वाला जो स्प्रे बटन दिया गया है उसको प्रेस कीजिए, आपको इंस्टेंट स्प्रे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।